नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। हल्द्वानी के आनंद बाग कॉलोनी में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक नेवले के डर से विशालकाय सांप बिजली के तारों के ऊपर चढ़ गया, जिसे देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सांप का इस तरह से तारों के ऊपर चलने से कौतूहल का विषय बना रहा और लोग टेंशन में आ गए कि सांप आखिर बिजली के तारों के ऊपर कैसे पहुंच गया। ये मामला हल्द्वानी के नगर निगम के नज़दीक आनंद बाग कॉलोनी का है। कॉलोनी के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सांप को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान वन विभाग हल्द्वानी रेंज के वन बीट अधिकारी कमल सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। रेस्क्यू टीम ने सीढ़ियाँ लगाकर काफ़ी मशक्कत के बाद सांप को नीचे उतारा। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि नेवले ने सांप को काटने की कोशिश की थी, लेकिन सांप नेवले से बचकर पेड़ पर चढ़ गया, जहां से बिजली के तारों तक पहुंचने गया और फिर तारों पर चलता हुआ आगे बढ़ गया। विशालकाय सांप के तारों पर चलता हुआ देख क्षेत्र के लोग भी टेंशन में आ गए। रेस्क्यू कर रही टीम का लोगों ने वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल काफ़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने उस विशालकाय सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है, जिसके बाद लोगों ने राहत भरी सांस ली। तो आज ये अजीबोगरीब मामला हल्द्वानी में देखने को मिला, जहां सांप को लोगों ने तारों पे चलता देखा और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उस सांप को रेस्क्यू कर वापस जंगल में छोड़ दिया गया है। तो इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।